सकते हो था? ये लीजिए। हमें नहीं पीना। अरे हमने मना किया ना आपको, नहीं पीना हमें। ये क्या हो रहा है यहाँ? अब देखिए ना भाई साहब, हमने इनसे कह दिया कि ये औषधि में नहीं पीना है, मतलब नहीं पीना है, फिर भी विवश करिए हमें पीने के लिए। वैद्य जी ने ये रस हर एक पहर पीने को कहा है कुंवर साहब। ठीक है बात हुई जोता, अगर वैद्य जी ने कहा है तो तुम्हें पीना ही होगा। भाई साहब इधर आइए बैठिए। ऐसा है कि वैद्य जी हमसे चिढ़ते हैं, तभी तो देखिए ना ये भी रस कोई रस है, नींबू और करेले का कड़वा काढ़ा, मैं हमें नहीं पीना। हमारे हाथों से भी नहीं, चलो हम मुंह खोलो। अच्छा अगर आपको लगता है कि ये रस कड़वा है तो पहले थोड़ा हम पीते, फिर तो आप पियेंगे ना। रहने दीजिए भाई साहब, हमारे कारण अपना मुंह कड़वा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब जल्दी से स्वस्थ हो जाओ ताकि हमारे साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर सको। हमें केवल इसलिए पी रहे हैं क्योंकि आपने कहा है, समझे? नहीं भरती है? जी हाँ, रुकैया भाभी जान ने इन्हें हमारी तीमारदारी के लिए भेजा है। रुकैया अपना काम बाखूबी करती है, हमारी बहन का ख्याल अच्छे से रखना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी हुजूर। बख्शी बानू, प्रणाम। शंशा, हमें पता नहीं था कि आप भी यहाँ पर हैं। हम बाद में आ जाएंगे। नहीं आप आ सकते हैं, हम जा ही रहे थे। हम आपके लिए लेप लेकर आए थे, गर्भावस्था में से लगाने से घुटने और पैरों के दर्द से मुक्ति मिलती है और आपको नींद भी अच्छी आएगी। शुक्रिया भाभी जान, हम आपके शुक्रगुजार हैं। दिलावर, भाभी जान के हाथों से लेप ले लो। अब आप विश्राम करें, हम बाद में आएंगे। आदाब। जोधा ने हमें नहीं पहचाना, इसका अर्थ है कोई भी हमें नहीं पहचान पाएगा।